आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक स्मॉल वाल है, वो एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स के एंड पे बांधा गया है और ये बाल एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और ये कहा गया है कि मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो है 2:1। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब बॉल की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी उस वक्त बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा और उस वक्त थ्रेड में टेंशन कितनी होगी। तो यहाँ सपोज करते हैं इस अपर पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे उस बॉल की वेलोसिटी वी नॉट होगी, तो यहाँ पे रेशियो 2:1 दिया गया है मैक्सिमम टू मिनिमम, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2V0। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करने पर हो जाएगा हाफ एम इंटू 2V0 स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा एम जी इंटू 2R, ये लेंथ 2R हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4RG डिवाइडेड बाई 3, 4RG डिवाइडेड बाई 3, ये वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इसी तरह हम पॉइंट बी पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं बी पे इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, इसको लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा 4RG डिवाइडेड बाई 3 प्लस एम जी आर। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 4/3RG प्लस 2RG जो हो जाएगा 10RG डिवाइडेड बाई 3। अब हम इस जो पार्टिकल यहाँ पे है बॉल, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बॉल बी पोजीशन पे है तो इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, और mg इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस बॉल पे केवल यही दो फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा at और रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ar। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा एम जी, ए टी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू जी। तो इस पोजीशन पे केवल एम जी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा जी। और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो वही फोर्स ये टेंशन फोर्स वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बैलेंस करने पे आ जाएगा टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हम वी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं तो ये हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई आर इंटू टेन आर जी डिवाइडेड बाई थ्री। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन एम जी बाई थ्री इक्वल टू टेन एम जी डिवाइडेड बाई थ्री। ये हो गया टेंस स्प्रिंग में टेंशन एट द पोजिशन बी। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट एक्सेलरेशन। चूंकि एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेट हो जाएगा रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा हमें रूट ऑफ ए टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं हम जी, तो जी स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा टेन जी बाई थ्री, टेन जी डिवाइडेड बाई थ्री। ये हो जाएगा इस तरह। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई थ्री इंटू रूट 109। ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन। और हम ये रेडियल एक्सेलरेशन, चूँकि ये टेंशन और रेडियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, तो जो आ जाएगा टेन जी बाई थ्री। इस तरह ए नेट यानी नेट एक्सेलरेशन एट द पोजिशन बी हो जाएगा जी डिवाइडेड बाई थ्री इंटू रूट 109। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।